मछली की जगह मगरमच्छ। अरे मगरमच्छ नहीं भाऊ, डुक्कर है, डुक्कर काले धंधे वाले। माटी मिले काले धंधे वाले हैं। उस दिन मैंने तुझसे पता पूछा था, आज तू अपना पता बता। बोल कहाँ रहता तू? दादर। दादर बता, तू किसके लिए काम करता है? मुझे नहीं मालूम। ये ले तेरे दादा की टिकट, गाड़ी आए तो चढ़ जाना। इतना बड़ा टिकट दिए हैं, अब गाड़ी कहाँ चढ़ी है? तुम लोगों के पीछे कौन है, उन लोगों के पते और ठिकाने बता। मुझे दूसरों का नहीं मालूम, मैं अंधेरी रहता हूँ। तू अंधेरी रहता है? अंधेरी के सिवा दूसरों का पता याद आया? ये ले अपनी अंधेरी की टिकट, जब गाड़ी आ जाए तो चढ़ जाना। अरे अब तो एक तरबूजा वाली गाड़ी चढ़ाई। अब बता तू कहाँ रहता है? बोरे गाँव। लेकिन मुझे मत मारिए, मैं सब सच बताता हूँ। वो जो मेरे पीछे है वो सब जानता है, हमारे पीछे कौन है। अच्छा, गोरे गाँव की गाड़ी उस तरफ आती है, चढ़ जाएगा ना? मैं खुद चढ़ जाऊंगा। पहले मुझे नौकरी दिलवाई, फिर अमृतपाल से मेरी तरक्की करवाई, और फिर अमृतपाल को मैंने नहीं मारा। चोर की दाढ़ी में तिनका। बोल अमृतपाल को तूने गोली क्यों मारी? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? गाड़ी नहीं जा रही है, भाग रहे हैं। मुंह खोल, वरना हमेशा के लिए तेरा मुंह खुला रह जाएगा। बताता हूँ, बताता हूँ। डिस्को पैलेस। आगे बोल। आगे आगे वो जानता है। अरे साहब, ये क्या हालत बना रखी है? अरे अरे, आज तो हमारे सारे साहब की शक्ल खराब हो गई है। मजाक मत करो जीजा जी, राजू की खबर लो। राजू? हाँ, अशोक सक्सेना का भाई राजू, बहुत मारा साल ने, और पिटने से बचने के लिए मेरे मुंह से डिस्को पैलेस का नाम निकल गया। अरे तो फिर क्या हुआ? खुद ही तो बोलते थे बहुत अच्छा डिस्को डांस करता है। अरे घबराते क्यों हो, यमराज के साथ साले की जुगलबंदी करवा देंगे। Yeah.
तेरा निशाना इतना अच्छा नहीं है, वरना मैं डिस्को पैलेस में ही मर गया होता। बोल, इस निशाने के पीछे किसका हाथ है? मैं किसी को नहीं जानता। मैं धीरू भाई का आदमी हूं। तो फिर चल, धीरू भाई के पास चलते हैं। धीरू भाई, पहचाना इस पिस्तौल को? क्यों नहीं, राणा की पिस्तौल है। राणा कहाँ है? वो जिसका शिकार करने गया था उसी का शिकार हो गया। तुम कौन हो? अशोक सक्सेना को जानते हो? हम किसी को नहीं जानते, लोग हमें जानते हैं। फिर भी हम अशोक सक्सेना के पास गए। खुद हम पर साहब, अशोक सक्सेना को देवता बनने का शौक था और इस शौक के लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं। सरकारी नौकरी की जमीन बहुत फिसलनी होती है, कुर्सी उल्टी हो गई ना। और यह जमीन भी बहुत फिसलनी है। देख, चारों तरफ आग लग चुकी है। दोनों के बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या है? तू मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करूंगा। क्या मतलब? वो पटरा उठा कर ला जल्दी। जल्दी कर, ये लो। मार चलाऊं? हाँ, अरे सोच कर रहा, मार चलाऊं? हाँ। अकल का दुश्मन सुना था लेकिन देखा पहली बार। पैसा नहीं तो घर जाओ साहब, ये बार है, सेवा आश्रम नहीं। शट अप। आप भी नहीं पहचानते? हाँ, हम तो सिर्फ दो घूट शराब मांग रहे। अरे अशोक सक्सेना साहब, दो घूट क्यों? आप पूरी बोतल पीजिए। ब्लैक एंड व्हाइट। पटवर्धन पैट। अरे ये मखोल करना छोड़ो, इधर आओ, इधर आओ। वो राजू साला आग की तरह लपका चला आ रहा है। उससे बचने के लिए मैंने अपने घर को आग लगा दी ताकि वो जल जाए, फिर भी वो बच गया। वो किसी भी वक्त तुम्हारे घर भी पहुंच सकता है, और तुम्हारे घर में सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और काली डायरी भी है। बीवी को फोन करो और कागजात हटवा दो, और तुम भी यहां से सरक लो। इसको भी अपने अड्डे पर सरका दो, क्योंकि यही हम लोगों की जान बचाने की हुंडी है। फोन। हेलो, पैट बोल रहा हूं। क्या खबर है डार्लिंग? एक बहुत बुरी खबर है, राजू किसी वक्त भी हमारे घर पहुंच सकता है, जरा ध्यान से रहना। और हाँ सुनो, वो जो काली डायरी है ना बिस्तर के नीचे, उसे निकाल कर सेफ में रख दो, और सेफ की चाबी किसी सेफ जगह पे रख देना, समझी? डोंट वरी हबी, बाय। अभी तो मैं ऐसी जगह रखूंगी जहाँ किसी का हाथ तो क्या आंख भी नहीं पहुंच सकेगी। आंखों ने तो देख लिया, अब चाबी तुम खुद मेरे हवाले करती हो या मैं? हिम्मत है तो छीन लो। भैया!